हेलो दोस्त, मैं हूँ आदर्श विजय बिंद, बीपीटी फोर्थ ईयर स्टूडेंट, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, सैफई इटावा। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीपी नेट 2021 एग्जाम, जो हमारा स्कोर आ चुका है साइट पे, और आप देख सकते हैं, अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के अपना स्कोर देख सकते हैं। और हम बताएंगे कि आप सुरक्षित हैं या नहीं, आपको सीट मिल सकती है कि नहीं, आप काउंसलिंग कराने पे आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम इसकी बात करने वाले हैं। आपको कितने नंबर हैं तो कितनी रैंक होगी, हम आपको बताने वाले हैं। तो अब चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इससे शुरू करने से पहले हम बता दें आपको, हमारे चैनल को, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों को भी, जो ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। अभी हमने एक वीडियो अपलोड की है, उस पर जाइए आप देखिए, आपको उस पर मैंने सारे प्रोसीजर बता दिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आप स्कोर कैसे चेक कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, कितने सेट लाने हैं और आपकी फ़ीस कितनी लगनी है। जो एग्जैक्ट फीस लगनी वो हमने आपको अभी पिछले वीडियो में बता रखा है। तो जाइए हमारे उस वीडियो को भी देखिए और इस वीडियो को भी देखिए, आपको सीट मिल सकती है या नहीं, आपके कितने नंबर है वो हम आपको बताएंगे कि 35 से 40 नंबर है तो आपको सीट मिलेगी या नहीं, 40 से 50 के बीच में है तो सीट मिलेगी नहीं है, 50 की एबव है तो सीट आपको कौन क्या डिग्री मिलेगी या डिप्लोमा, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे आपकी 35 से अगर 40 रैंक है, अगर आप जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी के हैं, क्योंकि हमारे हमारे वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने ये पूछा सर हमारे 35 नंबर, हमारे 40 नंबर, हमारे 45 या हमारे 48 नंबर है तो हमें कौन सी डिग्री मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा, हमारे 54 नंबर हैं तो हमें सर डिग्री मिलेगा या डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, या हम काउंसिलिंग कराएँ कि नहीं कराएँ, तो इसके संबंध में हम बात करेंगे। और आप सेफ हैं या कि अनसेफ है तो वो हम वो भी बात करेंगे, आप कितनी रैंक होनी चाहिए, तो आप कौन सा डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स क्या मिलना है वो हम बताएंगे। तो हम सबसे पहले हम बता दें आपको कि अगर आपके 35 से 40 नंबर हैं तो 35 से 40 अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप भूल जाइए डिप्लोमा या डिग्री कोर्स, क्योंकि आपको बहुत मुश्किल है। आप ईडब्ल्यूएस है तो आप मापअप राउंड में करा सकते हैं, तो हो सकता है आपको डिग्री या डिप्लोमा कोर्स मिल जाए। अगर आप ओबीसी कैटेगरी हैं तो आपको डिप्लोमा कोर्स मिल सकता है, क्योंकि अगर आप ओबीसी 35 रैंक है आपकी, सॉरी आपकी 35 नंबर है तो आपकी रैंक जरूर 2500 के ऊपर आएगी, क्योंकि इतना अनुमान लगाया गया है, जो कि हमने एक दो लोगों से बात की और पूछा तो उनके इतने रैंक आ रहे हैं 35 के ऊपर वाले नंबर को या 35 नंबर, तो आप 2500 के ऊपर या 3000 के ऊपर रैंक आ रही है तो आपको डिप्लोमा मिल सकता है। अगर आप 40 से 45 के बीच है, 40 से 50 के बीच का आपका नंबर है, आपकी स्कोर है, तो आपकी रैंक, अगर सिंपली आप समझ लिए, अगर आपकी रैंक 2000 से कम है, अंडर 2000 रैंक है, तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे। बट हम ये नहीं कह सकते आपको डिग्री मिलेगा या डिप्लोमा मिलेगा, तो कौन सा कोर्स मिलेगा वो हम कन्फर्म नहीं कर। अगर आपकी रैंक 1000 या 1500 के अंडर है, तो उसके अंदर अगर है 1500 या 1000 के अंदर है रैंक, तो आपको डिग्री कोर्स जो है मिल सकता है, आप निश्चिंत रहिए। अगर आप 1000 है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप काउंसलिंग करा लीजिए, आपको डिग्री कोर्स मिलना ही मिलना है। अगर आप 1500 के अंदर हैं तो भी आपको डिग्री कोर्स मिल सकता है और डिप्लोमा तो मिलना ही मिलना है, तो आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि सारे स्टूडेंट डिग्री या डिग्री कोर्स नहीं लेते, कुछ बच्चे जो होते हैं डिप्लोमा भी कोर्स चूज करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा छोड़ के डिग्री भी चूज करते, तो इस संबंध में आपको डिग्री कोर्स मिल सकता है, तो आप घबराइए। अगर आपके 2000 के अंदर रैंक है तो आपको डिग्री या डिप्लोमा कोर्स मिलना ही मिलना है। अगर आपको 2500 है या 3000 है तो आपको स्पेशल, अगर आपके सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस है या पीएच हैंडीकैप है, फिजिकली हैंडीकैप है, या फिर आप के पास स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है, तो आप 3000 के तक रैंक है तो भी आपको मिल जाएगा। इसलिए हम एससी स्टूडेंट के लिए बोलेंगे, एससी स्टूडेंट है तो 3500 तक रैंक भी मिल जाएगी, क्योंकि उनका जो है, उनके बहुत कम सीटें उठती हैं और उनके लिए बहुत छूट भी होता है, तो इस वजह से जो है, आप अगर स्पेशल, अगर उनके पास कुछ स्पेशल सर्टिफिकेट्स हैं तो 3500-4000 रैंक तक भी मिल सकती है उनकी सीट। अब ये मापअप राउंड में होता क्या है, मापअप राउंड भी होता है, मापअप राउंड में क्या होता है, जो सीटें नहीं उठी रहती हैं वो आपको मिल जाती हैं, आपकी रैंक कितनी है उससे मैटर नहीं करता, बट आपको सीरियल वाइज रैंक बुलाया जाता है, तो आप जो सीरियल वाइज रैंक आएंगे, अगर आपका नंबर आ गया है तो आप सीट उठा ले सकते हैं। तो ये हुई हमारी आज की, जो स्कोर आया, मेरिट आया, वो हम बताएं कि आपको सेफ जोन में है या सेफ जोन में नहीं है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो सबको, और ये जानकारी सबको फैला दो।
ठीक है, और हमें कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, आपको थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लगा तो हमें जरूर कमेंट करिएगा। सो थैंक यू, बाय।